नमस्कार दोस्तों, बी हेल्दी चैनल के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको सुपरवास्मोल 33 केशकाला की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने जा रहा हूं। अगर आप इस सुपरवास्मोल 33 केशकाला का इस्तेमाल अपने सफ़ेद हुए बालों को काला करने के लिए करते हैं, उसको रंगने के लिए करते हैं या करने की सोच रहे हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको इस सुपरवास्मोल 33 केशकाला की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ कुछ ऐसी जानकारियाँ आपको प्रोवाइड करूँगा जो आपके लिए जानना बेहद ही ज़रूरी है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके और इसको आप प्रॉपर तरीके से यूज कर सकें। इसके साथ ही छोटी सी रिक्वेस्ट ये भी है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, इसमें दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, आजकल मार्केट में ऐसे बहुत सारे हेयर डाई और हेयर कलर उपलब्ध हैं जिनमें बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया है, जिनके लगातार इस्तेमाल से हमारे बालों, स्किन और हमारे शरीर में नुकसान हो सकता है। इसलिए ऐसे प्रोडक्ट्स को खरीदने और यूज करने से पहले हमें इसकी जानकारी ले लेनी चाहिए ताकि हम जान सके कि इसमें ऐसे कौन कौन से इन्ग्रीडियंट्स का यूज किया गया है और उनका इस्तेमाल हमारे शरीर के लिए सेफ है या नहीं है। अगर आप भी किसी हेयर डाई या हेयर कलर का इस्तेमाल करते हैं, किसी ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं और उसकी जानकारी नहीं रखते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, उस पर मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा, उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए इस सुपरवास्मोल 33 केशकाला की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर लेते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन की। तो ये हाइजीनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मार्केट में लॉन्च की गई है और ये 100 ml और 50 ml के पैक में मार्केट में उपलब्ध है। 100 ml की जो प्राइसिंग होती है 52 rupees की होती है और जो 50 ml के पैक की जो प्राइसिंग है वो 32 rupees की होती है। और ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर, कॉस्मेटिक स्टोर या जनरल स्टोर में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। अब आइए बात करते हैं इस सुपरवास्मोल 33 केशकाला के इंग्रेडिएंट्स की और जानने की कोशिश करते हैं कि ये हमारे लिए सेफ है या नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे कंपनी का दावा है कि इसमें अमोनिया या पेरोक्साइड का इस्तेमाल नहीं किया गया है जो हमारे स्किन और बालों के लिए सेफ नहीं होते हैं। इसमें आलमंड प्रोटीन का इस्तेमाल किया गया है, आमला और भृंगराज का इस्तेमाल किया गया है जो हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए सेफ होते हैं। लेकिन इन सब के अलावा इसमें बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया है जो हमारे स्किन, बालों और हमारे शरीर के लिए सेफ नहीं होते हैं। जैसे इसमें लाइट लिक्विड पैराफिन का इस्तेमाल किया गया है, मिनरल ऑयल का इस्तेमाल किया गया है, इसमें प्रिजर्वेटिव के रूप में इथाइल पैराबेन और फाइल पैराबेन का इस्तेमाल किया गया है, ल्यूरल सल्फेट का इस्तेमाल किया गया है जो हमारे स्किन और बालों के लिए, हमारे शरीर के लिए सेफ नहीं होते हैं। इनके लगातार कुछ महीनों सालों तक इस्तेमाल करते रहने से हमारे शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। दोस्तों, इस तरह से देखते हैं कि ये जो सुपरवास्मोल 33 केशकाला है 100% सेफ नहीं है। इसमें बहुत सारे केमिकल्स का यूज किया गया है जिनके लगातार इस्तेमाल से हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव हो सकते हैं, हमारे बालों पर प्रभाव हो सकते हैं, हमारे स्किन पर इसका गलत प्रभाव पड़ सकता है। अब ये बात करते हैं इसके यूजेज और बेनिफिट्स की। तो ये काफी रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। 2-3 दिन के लगातार इस्तेमाल से ये हमारे सफेद हुए बालों को एकदम से काला बना देता है। जहां तक इसके डायरेक्शन फॉर यूज की बात है, तो इसको हर बार के यूज के पहले इसका टेस्ट करना बहुत ही आवश्यक होता है। इसको अपने स्किन पे थोड़ी देर के लिए थोड़ी सी मात्रा लगा करके छोड़ देते हैं। अगर किसी तरह का रिएक्शन नहीं होता है, किसी तरह की जलन नहीं होती है, तभी इसका यूज अपने बालों पर किया जाता है। इस सुपरवास्मोल 33 केशकाला का इस्तेमाल करने से पहले इसमें दी गई लीफलेट को बहुत ही ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। उसमें जो प्रिकॉशन दिए गए हैं उसको फॉलो करते हुए ही इसका यूज करना चाहिए। जहां तक मेरे रिकमेंडेशन की बात है, तो मैं इस सुपरवास्मोल 33 केशकाला का रिकमेंडेशन मैं आपको नहीं करूंगा। इसके बदले में आप मार्केट में मिलने वाले जो हर्बल बेस्ड जो हेयर डाई हैं, जो मेहंदी बेस्ड हेयर डाई है, उसका इस्तेमाल करें जो हमारे स्किन के लिए, हमारे शरीर के लिए सेफ होते हैं। उनका किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। इसके अलावा आप होममेड हेयर डाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, जिसको देख करके आप घर पे हेयर डाई बना सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं जो बिल्कुल सेफ होते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आज की दी गई जानकारी आपके लिए जरूर फायदेमंद साबित होगी। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और उन वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।